मुझे ये बताओ, अगर कोई चीज यहाँ से आती है और जाती है तो ये हमारे जो ब्लॉक में बैठे हुए क्षेत्र पंचायत है, अपने प्रतिनिधियों को आजमा रहे हैं। हम तो जो करेंगे, खैर जो करेंगे सो करेंगे ही, पर मैं ये चाहता हूं कि धन सिंह जी हमारे लिए क्या कर सकते हैं। इन्होंने तो जो करना था कर दिया। यहाँ की सड़कें जो वहां ले गए, वहां दिलीप साहब वहां ले गए, ये हमारी सड़क ले गए, अब हमारे करने की बारी है। पर चीफ गढ़वाल ने जब ये आदेश जारी किए सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर पौड़ी गढ़वाल को, तो पौड़ी गढ़वाल के जब हमारे जो वहां पे बैठते हैं उनसे आदेश जब हमारे एक्शन साहब के पास आए, तो हमारे एक्शन साहब भी जो है दानवीर करण को जो है उन्होंने भी फेल कर दिया। उन्होंने कहा आओ धन सिंह के आदमी और आओ दिलीप रावत के आदमी हो और ले जाओ हमारा माल, लूट रहा है। गो टू गो, एवरीथिंग इज ओपन फॉर अस। और गढ़वाल चीफ ने जो आदेश किए हमारे अधिशासी अभियंता को, तो गढ़वाल चीफ ने जो आदेश है दिलीप रावत और धन सिंह रावत के कहने पे गए सरकार के द्वारा कोई जीओ नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे तीन लोगों को हम जो है बिल्कुल दोषी देखते हैं। सन 2000 में हमने एक आंदोलन किया था, इस विकास खंड से जुड़े हुए जितने भी गांव थे, इससे लगे हुए जितने भी गांव थे, जो सड़कें 10-12 साल पहले बन गई थी या जिन सड़कों पे काम चल रहा था, तमाम लोग यहां पे आते थे। ये लड़ाई हमारी है माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत राज्य मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री और विधायक दलीप रावत जी से। अन्य हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारे वैधरा डिवीजन को तोड़ने का जो प्रयास किया तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने और दलीप रावत जी ने किया है, सरकार ने नहीं किया। अगर एक रिमोट क्षेत्र में आदमी जो है उसको न्याय के लिए नैनीताल जाना पड़े, देहरादून जाना पड़े, वो तो दुर्गम व्यक्ति है, बड़ा मुश्किल से जो है उसका खान पान की व्यवस्था चल रही है। तो मैं नेताओं से भी जानना चाहता हूँ कि अगर हम लोग जो है जिन लोगों से कई लोग जुड़े हुए हैं, अगर ये यहाँ नहीं रहेंगे तो अगली बार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बांदर गोणी और क्या बात वोट देने आएंगे। सवाल ये है कि हम यहाँ पे ये हमको ठेकेदार या यहाँ की जनता मत समझे, हम उस दूरस्थ क्षेत्र पे हैं जो इन पहाड़ों के हम रखवाले। इन पहाड़ों को आखिर बचा कौन रहा? हम जैसे चुनिंदा लोग मुट्ठी भर जो है आंकड़े भले ही जो है चुनाव आयोग के कुछ भी कहते हैं, परंतु यहाँ का अगर आप भौतिक अवलोकन सत्यापन जनसंख्या का कराए करिए तो हम लोग यहाँ है ये मुट्ठी भर, वी आर ऑन द नेल। सरकार वर्तमान में पलायन रोकने की बात कर रही है, तो पलायन रोकने की बात पे उनकी जो है कमेटियों पे कमेटियां गठित हो रही है। ये कमेटियां क्या कर रही है अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब जो पूर्व में जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी, पूर्व में ये PWD जैसे संस्थान इन बिहड़ इलाकों में खोले गए थे ताकि क्षेत्र का समुचित पूर्ण विकास हो सके, लेकिन वर्तमान में जबकि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, एक समय था जब कर्णप्रयाग विधानसभा हुआ करती थी, उस समय भी बैजरो डिवीजन यहीं पे विराजमान था। बैजरो खंड है, उसका काफ़ी हिस्सा जो आसपास के खंड है, पावो खंड है या कोई दूसरा खंड भी मेरे ख्याल से लंचडाउन है, वहाँ कुछ सड़कें और इस तरह के काम आपके दे दिए जाएंगे, तो ऐसे में तो ये बीरो खाल वाला जो आपका इलाका है इसके पास तो बहुत लिमिटेड काम रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्थानीय ठेकेदार है, क्योंकि उनका मूल व्यवसाय यहाँ पे ठेकेदारी है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस संभावना उसके बाद इस खंड के जीवित रहने की? एक्चुअली ये जो प्रकरण है, क्योंकि ये हायर अथॉरिटी द्वारा जो डिसाइड किया जाना होता है और इसमें जो भी प्रकरण अभी वर्तमान में चल रहा है, हमारे पास ये आदेश है जो गढ़वाल क्षेत्र के लिए कि जो आपका क्षेत्र है वो विधानसभा वार जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। इसमें हमारे पास जो आदेश है कि हमारे क्षेत्र में जो लैंसडाउन विधानसभा का जो चार्ज है वह संबंधित विधानसभा प्रांतीय खंड लैंसडाउन को दिया जाना है, और इसी प्रकार जो हमारे खंड में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कार्य है उसको पावो डिवीजन को जो हस्तगत किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया वर्तमान समय में गतिमान है। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का समस्त कार्य हम हस्तगत कर चुके हैं ऑलरेडी जनवरी के आसपास 2019 में, और अभी वर्तमान में जो है श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र का जो चार्ज है ये हम देने की कार्रवाई गतिमान चल रही है। जैसा कि आपका प्रश्न है कि इसमें कार्य तो अफेक्ट होंगे ही, क्योंकि जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन था खंडों का वो इसी आधार पर किया जाता था कि फिजिबिलिटी के आधार पर कि जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जितनी भी रोड्स उस डिवीजन के अंदर आती हैं वो अप्रोचेबल हों और उसमें समय रहते जो है कार्रवाई की जाए। तो उस लिहाज से मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा अपना विचार है कि ये थोड़ा दिक्कत रहेगी इसमें।
समाधान की बात है। आपने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, कुछ अपने प्रभाव से काम करवा देते हैं, कुछ जन सहभागिता के साथ आंदोलन के माध्यम से काम करवाते हैं। बताओ ठेकेदार भाइयों का सोचा कि वो अपनी भी जिम्मेदारी से केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें, उत्तराखंड के एक नागरिक के तौर पर इसको देखें, सड़कों की गुणवत्ता अगर बनी रहे बस समझ तो ये नौबत ही नहीं आएगी। जिस सड़क को कम से कम 7-8 साल, आप देखिए कई कई ऐसे अभियंता हैं जिनकी बनाई हुई सड़कें 10-10 साल तक टिकी, कुछ ऐसे अभियंता और ठेकेदार हैं कि जिनकी सड़कें 6 महीने के अंदर टूट जाती हैं। ये जिम्मेदारी स्वयं भी एहसास करना चाहिए, क्योंकि अंदर जिम्मेदारी की भावना आ जाए तो मैं समझता हूँ इससे भी नौबत ही नहीं आएगी।